Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने लॉग इन किया है एक्स की प्रोडक्शन को। बिग बॉस सीजन की विनर शिल्पा शिंदे बिग बॉस से पहले चर्चाओं में आई थी टेलीविजन शो भाभी जी घर पर हैं के चलते, लेकिन स्पेशल तब जब उन्होंने उस शो को छोड़ा था वो शो के निर्माता पर ठोक दिया था के उन्होंने, लेकिन शिल्पा शिंदे ने अब भाभी जी घर पर है के निर्माता पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस वापस ले लिया है। जी हाँ, क्या है कारण ये बताया है कुछ शिल्पा शिंदे ने। बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर रहे के निर्माता पर चल रहे अपने यौन शोषण के मामले को वापस ले लिया है। चौंकाने वाली बात यह है, शिल्पा ने ये फैसला अचानक ही लिया। उनके इस फैसले ने सबको हैरानी में डाल दिया है। शिल्पा शिंदे NTV के हिट शो भाभी जी घर पर रहे के अंगूरी भाभी को निभाया करती थी और इसी किरदार से उन्होंने एक बार फिर से खूब प्रेम हासिल किया था, लेकिन विवादों के चलते शो को छोड़ा और शो छोड़ने के बाद शो के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन अब उन्होंने जब केस वापस ले लिया है उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन ने उन्हें उनके बकाया रुपए वापसी चुका दिए हैं और ज़्यादातर लोगों ने मुझसे कहा कि इस केस को वापस लेकर यहीं रफा दफा किया जाए, इसीलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। शिल्पा ने इंटरव्यू में कहा चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस के बाद निर्माता और कई कलाकार मेरे पास आए, लेकिन जब मैं परेशान थी तब किसी ने मेरे पास आने की कोशिश नहीं की, मेरी मदद नहीं की, लेकिन इस बार सब मेरे पास आए और इस केस को ख़त्म करने की गुजारिश की और इसी वजह से मैंने भी इस केस को वापस ले लिया, शिल्पा ने कहा। ये सारी चीज़ें बिग बॉस 11 के पहले हुई थी। ज़्यादातर लोग मुझे और भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर को जानते थे तो लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की। शुरू में मुझे मेहनताना यानी कि मुझे मेरा जो बकाया था वो मुझे वापस नहीं चुकाया गया था, लेकिन अब मेरे सारे व्यूज़ क्लियर कर दिए गए हैं, मुझे मेरा पेमेंट पूरा मिल चुका है। मैंने भी सोचा केस ख़त्म करना है, ख़त्म करो, किसी को सूली पर चढ़ाना है, अगर सूली पर चढ़ा कर भी तो कुछ मिलना नहीं है, जिसने गलती की थी उसने मान ली है। और इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते शिल्पा ने भाभी जी घर पर हैं के निर्माता पर से अपना केस वापस ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा है वो भी अब किसी तरह के शोज नहीं करने वाली हैं बिग बॉस के विनर बनने के बाद, क्योंकि उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है। फिलहाल वो विकास गुप्ता के वेब सीरीज में काम करने जा रही हैं और इस बात से उन्हें वो काफ़ी खुश हैं। और इस तरीके से शिल्पा शिंदे की जीवन से एक विवाद खत्म हो चुका है। उन्होंने जो केस दर्ज करवाया था वो वापस ले लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को बजाएं। शुक्रिया।